एवरीवन, नमस्ते, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, ठीक होंगे और मजा मोगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो सीजन चल रही है ना, वो विंटर की चल रही है, राइट? विंटर में ड्राई स्किन बहुत जल्दी से हो जाती है, क्योंकि ठंड हवा के कांटेक्ट में आने से ना हमारी स्किन का जो ओरिजिनल मॉइस्चर होता है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, वो कहीं पर खो जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा रूखी, ड्राई फील हमें होने लगती है, और ड्राई स्किन में ना दरारे, रिंकल्स, ये जो सारी एजिंग रिलेटेड इशू बहुत जल्दी से हमें स्टार्ट हो जाती है। खास करके अगर आपकी स्किन में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ग्लो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ग्लो हमारी स्किन जितनी हाइड्रेट होगी उसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी भी दिखती है, साथ साथ क्लियर दिखती है और ग्लोइंग दिखती है, राइट? तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ही बहुत ही सिंपल सा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको अनइवन लग रही है, या तो ड्राई आपको बहुत ज़्यादा पेचेस दिख रहे हैं विंटर के कारण, और खास करके आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, तो आज का फेस पैक आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। मैं मेरा डेली का जो एक रिचुअल है, जो मैं फॉलो करती हूँ, कि मैं मेरी स्किन को क्लियर कैसे रखती हूँ, मेरी स्किन को ग्लोइंग कैसे रखती हूँ, रेडिएंट कैसे रखती हूँ, उसका छोटा सा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, आज का वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। साथ में आपको पता है ना कि मेरे चैनल में गिव अवे चल रहा है, शायद अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल से दो रूल्स को फॉलो करना है। एक तो आपको वीडियो में कंपलसरी कमेंट करनी है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो, एंड हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का जो फेस पैक है ना, उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ चाहिए, जो कि है एलोवेरा जेल। ये बोलने में और दिखने में जितनी सिंपल लगती है ना गाइस, उतनी ही ये फायदेकारक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है उसके अंदर होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़, स्किन को रिपेयर करने की प्रॉपर्टीज़, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, खास करके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। आप सबको पता है कि पॉल्यूशन के कारण, धूल मिट्टी के कारण हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है और डैमेज हो जाती है। ऐसे में एलोवेरा जेल आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, रिवाइव करेगा, खास करके आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक करने के लिए आपको हेल्प करेगा। 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करना है। आप उनमें से हो कि अगर आपको लेमन जूस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तो आप 1 चम्मच टमाटर का जूस भी ले सकते हो, वो उतना ही इफेक्टिव काम करेगा। जो लेमन जूस होता है वो हमारी स्किन में जो उसके अंदर ना नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लास्ट यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड करूँगी, क्योंकि बेसन एक नेचुरल फेस वॉश का भी काम करता है, साथ में जो भी आपकी स्किन में गंदगी है, डीपली स्टोर हो चुकी है, उसकी सफाई करने का भी काम करता है, और बेसन हम सबके घर में ईजिली मिल भी जाता है। अब इन तीनों को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए, फेस के ऊपर इवनली इसको अप्लाई कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन का काम करता है, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाने का काम करता है, आपकी स्किन को जो आप 4 to 5 स्टेप के फेशियल करते हो ना, वो सारी चीज़ों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही फेस पैक से आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो इनकेस अगर आप कहीं पर वेडिंग पार्टी में जाने वाले हो, अभी आप सबको पता है कि वेडिंग की सीजन चल रही है, तो आप 1 घंटे से पहले आप ये बहुत ही ईजी येट इफेक्टिव वाला फेस पैक ट्राई कर सकती हो। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। सबसे पहले तो गाइस, आजकल हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी, भागदौड़ वाली, और खास करके हम डाइट के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं, यूवी रेस के कारण, पॉल्यूशन, धूल मिट्टी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर की वजह से हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्किन में दिखाई देने लगी, और खास करके ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि किसी से छुपती ही नहीं, राइट? तो मुझे खुद को पिगमेंटेड स्किन हो गई थी, डल स्किन हो गई थी, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, और खास करके अनइवन स्किन मेरी बहुत ज़्यादा दिखने लगी थी। तो मैंने मेरे स्किन के रूटीन में कुछ चेंजेस किया है, मैंने मेरे डाइट में कुछ चेंजेस किया है, जिससे मुझे बहुत फायदा मिला है। सबसे पहले आपको आपकी डाइट के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे लीफी ग्रीन वेजिटेबल आप खाओ, पूरे दिन में आपको 3 लीटर पानी तो पीना ही है, और खास करके जो चीज आप आपके चेहरे के ऊपर लगाते हो उससे ज्यादा मैटर करती है कि आप क्या इनटेक करते हो, हमें क्या इनटेक करना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले विटामिन सी जो है ना, वो मैजिकल एलिमेंट है, मैजिकल इंग्रेडिएंट है, जो आपकी स्किन केयर की गेम को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। और सबसे ज्यादा तो इसको जब आप ओरली कंज्यूम करते हो ना, तो आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन रिलेटेड इशू, एंटी एजिंग रिलेटेड इशू, या आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है, ऐसी बहुत सारी स्किन कंसर्न के लिए काम आता है। कि मैं आपको टॉप सीक्रेट बताऊंगी मेरी हेल्दी एंड रेडियंट स्किन का सीक्रेट, तो यही है कपिवा स्किन फूड्स ग्लो मिक्स। आई थिंक जहां तक मुझे याद है ना,
इसको कंज्यूम करते हुए मुझे 4 to 5 months तो हो चुके हैं, एंड आई मस्ट से इसने मेरी स्किन केयर को चेंज करने में मुझे बहुत हेल्प की है। स्किन की केयर करना एक्सटर्नल जितना ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनली आप आपकी स्किन की देखभाल कैसे करते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एक्सटर्नल जो भी आप चीज़ें लगाते हो आपकी स्किन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोडक्ट, वो 30 to 35% ही आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो पाती है, तो आपको रिजल्ट भी 100% नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, 100% आपको इफेक्टिव रेडिएंट ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन चाहिए ना, तो आपको इंटरनली आपकी स्किन की देखभाल करनी चाहिए। टॉपिकल प्रोडक्ट्स जो भी हम हमारी स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, वो ऑल स्किन लेयर्स के थ्रू हमारी स्किन के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ लार्जर मोलिक्यूल साइज, जबकि जो भी हमें ब्लड स्ट्रीम के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है हमारी बॉडी को, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। इसीलिए हमें ना कोई ऐसा ड्रिंक चाहिए जो आयुर्वेदिक भी हो, साथ में सेफ एंड इफेक्टिव हो, हमें पीने से पहले बिल्कुल भी सोचना ना पड़े, इतना ज्यादा अमेजिंग हो। तो मैं पीती हूँ कपिवा स्किन फूड्स ग्लो मिक्स, अ मॉडर्न आयुर्वेदिक स्किन ग्लो सप्लीमेंट मेड ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स लाइक आमला एलोवेरा अलोंग विद इंग्रेडिएंट लाइक पोमोग्रेनेट रोज सतावारी टू गिव योर स्किन अ हेल्दी रेडिएंट ग्लो। लेट मी एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड दिस। द स्किन हैज 3 layers सच एज epidermis, dermis एंड hypodermis। What makes our skin younger is a combination of collagen, fibroblasts, elastin and hyaluronic acid in the dermis. Eventually, the dermis cells replace the epidermis cells every 28 days and hence anti-aging is the best treated internally. Certain anti-aging cream ingredient will not pass the semi-permeable layer and reach the dermis. Kapiva Skin Foods Glow Mix get absorbed in the bloodstream post-consumption and hence it nourishes all skin layers through the blood supply. For example, vitamin C present in the serum are prone to oxidation and it's water soluble in nature, hence it cannot get absorbed into the inner layer of the skin. इसीलिए जब आप vitamin C को orally लेते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा beneficial होता है। Hyaluronic acid is a macro molecule, meaning its molecule are large in terms of molecular size, too large to effectively be absorbed into the skin. In fact, hyaluronic acid is not going to penetrate the skin much at all. Skin Food Glow Mix is absorbed within bloodstream. Nutrients in the blood supply act as a food for the cell. आप सबको पता है ना कि collagen builders कितना help करते हैं, right? But उसकी भी एक ना limit आ जाती है। सबसे ज़्यादा collagen जो है वो elasticity improve करने में और anti-aging के लिए काफ़ी help करता है। और ऊपर से collagen without hyaluronic acid तो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि जब आपकी स्किन में लैक ऑफ हाइड्रेशन आ जाती है ना, तो धीरे धीरे करके जो आपकी स्किन में कोलाजन है ना, वो भी कम होने लगता है। तो बेस्ट सॉल्यूशन और अमेजिंग सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है कपिवा स्किन फूड ग्लो मिक्स, जिसके अंदर आपको विटामिन्स, मिनरल्स, काफी सारे स्किन फूड, हाइलोरोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो ना सिर्फ आपकी एक स्किन प्रॉब्लम जैसे कि पिगमेंटेड स्किन या तो अनइवन स्किन, डार्क सर्कल, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। एक बॉक्स में 30 सेसे आते हैं। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक स्किन केयर फॉर्मूला है जो नेचुरली स्किन में कोलाजन, ग्लूथाथियोइन, हाइलुरोनिक एसिड की जो मात्रा है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, B6, B12 भी है, जो स्किन ब्राइटनिंग, टाइटनिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। 200 ml वाटर के अंदर एक से डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड जस्ट एंजॉय योर ड्रिंक। डेली पीने से यू कैन सी हेल्दी नेचुरल ग्लो ऑन फेस। पोमोग्रेनेट हाइलुरोनिक एसिड इंक्रीज करता है, जिससे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट रिड्यूस होते दिखेंगे। रोज में पॉलीफिनल होता है जो यूवी रेज पॉल्यूशन से डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है। कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज करके जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी बढ़ाता है। सतावारी इंक्रीजेस ग्लूथाथियोन सिंथेसिस, जिससे आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो भी इंक्रीज होगा। आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली डिटॉक्स होगी, सो दैट जो बैड टॉक्सिन होंगे वो फ्लश आउट होंगे और आपकी जो स्किन है वो विद इन ग्लो करेगी। टेस्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इट्स टू यमी। प्लांट बेस्ड भी है, नो प्रिजर्वेटिव एडेड एंड नो सुगर एज वेल। देर आर फ्यू अमेजिंग डिस्काउंट रनिंग ऑन कपिवास वेबसाइट। यूज कोड ग्लोमिक्स 15 एंड गेट 15% ऑफ ऑन ग्लोमिक्स। इसके जो लिंक है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां जाकर आप आपके लिए परचेज कर सकते हो। सो गाइस, इतना मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।